हेलो दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2024, दिन मंगलवार का, हिंदी तिथि माघ शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की जानकारियों का अपडेट आपको मिलने वाला है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना दोस्तों। तो आइए बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चंडीगढ़ में किसानों और मंत्रियों की मीटिंग बेनतीजा हो गई है। किसान नेताओं ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा और आज दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार यानी 12 फरवरी को मीटिंग हुई, वो बेनतीजा रही। चंडीगढ़ में 5.5 घंटे की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। सरकार और किसानों की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है और आज दिल्ली कूच जारी रहेगा। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली में 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया जाना है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बाहर आकर ऐलान किया कि आंदोलन जारी है और केंद्र सरकार के जवाब का इंतजार करके हम मंगलवार सुबह 10 बजे अपने आंदोलन पर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली चलो मार्च सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो प्रदर्शन करने वालों से वसूली की जाएगी। हरियाणा सरकार ने सख्त कदम उठाया। दिल्ली में अगले एक महीने तक धारा 144 लागू हो गई है। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं और ये आदेश अगले एक महीने के लिए जारी हुए हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। पाकिस्तान चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। केयर टेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि नतीजों में देरी का मतलब धांधली नहीं, इलेक्शन कमीशन ने भी सफाई दी है। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद वोटों की गिनती पूरी हो गई है। कोई भी पार्टी 134 का जादुई आंकड़ा यानी बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। केजरीवाल ने कहा अयोध्या में इतना भव्य मंदिर बना, और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सोमवार को रामलला के दर्शन किए। अयोध्या से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। भारत की वेटिकन सिटी बनने जा रही अयोध्या नगरी, एक रिपोर्ट सामने आई है। भारतीय होटल संघ के उपाध्यक्ष ने कहा कि हमारे पास ये मौका है कि हम अयोध्या को धार्मिक पर्यटन के नजरिए से नहीं बल्कि इसे भारत का वेटिकन जैसा बनाने के एक अवसर के रूप में देखें। अगर लोग इटली या रोम जाते हैं तो चाहे वे किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हो, वे वेटिकन जरूर जाते हैं और आने वाले समय में अयोध्या के साथ भी यही होने वाला है। अयोध्या को सिर्फ धार्मिक पर्यटन के नजरिए से नहीं बल्कि इसे भारत का वेटिकन बनाने के एक अवसर के रूप में भी देखा जाना चाहिए। होटल इंडस्ट्री की बॉडी HAI ने इस तरह की बात कही है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। जनवरी में रिटेल महंगाई घटकर 5.1% पर आई और इसका कारण रहा खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी देखी गई। दिसंबर में 5.69% रही थी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा में सोमवार को नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सत्ता पक्ष की मांग पर वोटिंग करवाई गई। इसमें समर्थन में 129 वोट पड़े, विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। पीएम मोदी का आदेश, डोभाल ने संभाला मोर्चा और ऐसे अपने वतन लौट आए 9 सैनिक। आपको मालूम होगा कतर में पिछले साल 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा मिली थी जिनमें से 7 अधिकारी भारत लौट आए। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मुकदमे की पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखा गया था। भारत की यह बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। कतर की जेल से पूर्व नौसैनिक रिहा किए गए और ये स्वदेश लौटे हैं। दुनिया को ताकत दिखाएंगे पीएम मोदी, यूएई में हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर विदेशी मीडिया की भी नजर है। पिछले महीने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी ने की थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी यानी कल यूएई में हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर पूरी दुनिया की नजर है। अबू धाबी में पीएम मोदी मंदिर का उद्घाटन करेंगे और ये मंदिर 27 एकड़ में फैला है। असम सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बाल विवाह खत्म करने के लिए भी ऐलान किया गया। समाज से बाल विवाह को खत्म करने के लिए सरकार स्नातकोत्तर स्तर तक 10 लाख लड़कियों की शिक्षा में मदद भी करेगी। असम में 1.5 लाख से अधिक लोग विदेशी घोषित हुए हैं। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने और भी कई बड़े ऐलान किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपी के 3.5 लाख किसान भाइयों को 177 करोड़ रुपए मिलेंगे और सीधे बैंक खाते में आएंगे। योगी सरकार ने पिछले 2 सालों में आपदाओं से क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के मुआवजे से छूटे किसानों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया। 3.5 लाख से अधिक किसान भाइयों को धनराशि जल्दी उनके बैंक खाते में ट्रांसफर मिलने वाली है। मोदी सरकार का वो फैसला जिससे चीन में मच सकती है खलबली। एशिया में अगर किन्हीं 2 देशों के बीच आगे निकलने की सबसे ज्यादा होड़ है तो वह है दोनों देश भारत और चाइना। दोनों ही देश लगातार विकास कर रहे हैं और विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर हैं। एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में इन दिनों देशों के रिश्ते भी हाल ही के दिनों में खराब हुए हैं। कई बार दोनों देशों की सीमाओं पर छोटी मोटी झड़पें भी देखने को मिली हैं। हालांकि दोनों देश अब तक किसी बड़े युद्ध से बचते हुए नजर आए। युद्ध के बड़े आभास को देखते हुए दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं और भारत सरकार भी इसमें पीछे नहीं है। भारत चीन से सटे अपने सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे का निर्माण कर रहा है और यह हाईवे करीब 1748 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इसे घोषित किया दुनिया का सबसे गरीब देश। 85% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। दुनिया में कुल 197 ऐसे देश हैं लेकिन कई देश ऐसे हैं जो विकासशील भी नहीं बन पाए, जिनकी आबादी काफी गरीबी में जीवन यापन कर रही है। और इन्हीं देशों में से एक देश ऐसा भी है जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी दुनिया
दुनिया का सबसे गरीब देश माना है। बुरुंडी जहां पर 85% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है और यहां लोगों को दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पा रही है। उत्तराखंड में हल्द्वानी नगर निगम ने हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के खिलाफ सरकारी संपत्तियों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए सोमवार को 2,44,00,000 रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर, सरकारी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता को लेकर सीएम सुक्खू जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के पुख्ता उपाय कर रही है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम से कम रखा जाएगा। झारखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है, चंपई सोरेन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया, छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। झारखंड की छात्राओं, किसान और नक्सली और उग्रवादी घटनाओं में जान गंवाने वाले आरआरबी के जवानों और कर्मचारियों के लिए चंपई सोरेन की सरकार ने बड़े फैसले लिए। बैठक हुई जिसमें कुल 25 फैसलों को मंजूरी दी गई। किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान की छूट की राशि 3% तय थी, बैठक में इसे बढ़ाकर 4% करने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ी, 13 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। फडणवीस ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी खबर आ रही है, राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सिर्फ एक ओहदा है, कोई अतिरिक्त लाभ भी नहीं मिलता। यानी राज्यों में उप मुख्यमंत्री बनाना संविधान का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई लॉन्च हो गया है, भारतीय टूरिस्ट अब यहां भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। 2 फरवरी को फ्रांस में सर्विस शुरू हुई थी। पीएम मोदी ने 1,00,000 अपॉइंटमेंट लेटर भी बांटे हैं, कहा कि पहले नियुक्ति में देरी कर रिश्वत का खेल होता था, हमने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया। पीएम मोदी ने सोमवार को रोजगार मेले के तहत 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। पेटीएम की समीक्षा की शायद ही कोई गुंजाइश, शशिकांत दास ने कहा आरबीआई बहुत ही सोच समझ कर फैसला लेती है, ग्राहकों के हित सबसे ऊपर रहते हैं। वहीं आपको बता दें, पेटीएम पेमेंट बैंक की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने भी इस्तीफा दे दिया। अब एक और डायरेक्टर संजनी कुमार के बोर्ड छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं, अब केवल 3 डायरेक्टर बचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लिंग दो कमेटी की सिफारिश को चुनौती, छात्र संघ चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी हटाने की मांग की गई है, केंद्र और यूजीसी से भी जवाब मांगा गया। मनीष सिसोदिया को 3 दिन की जमानत मिली है, भतीजी की शादी में लखनऊ जाएंगे, 2023 से ही पूर्व डिप्टी सीएम जेल में। हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 27 फरवरी को सुनवाई होगी, हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा, 3 दिन रिमांड की अवधि बढ़ी है। जयपुर में रहस्यमय खांसी ने चिंता बढ़ाई है, उल्टियां भी हो रही हैं, रोज 700 मरीज आ रहे हैं, डॉक्टरों ने कहा कि ये केस और भी बढ़ सकते हैं। राजस्थान में लोग मौसमी बीमारियों के साथ रहस्यमय खांसी की चपेट में आने शुरू हो गए, बुखार जुकाम गले में खराश की चपेट में आए मरीजों को बुखार और जुकाम ठीक होने के बाद भी तेज खांसी हो रही है और ये खांसी 15 से 20 दिनों के अंतराल में भी मुश्किल से ठीक हो पा रही है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, विदेश से MBBS करने वाले 78% डॉक्टर यहाँ स्क्रीनिंग में फेल हो जा रहे हैं। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवा MBBS करने के लिए विदेश के मेडिकल कॉलेजों में जा रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि विदेश में MBBS तो पास कर लेते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर डॉक्टर देश में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं कर पा रहे। किसी ने भी विदेश से MBBS किया तो भारत के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस के लिए उसे डिग्री के बाद 10 सालों के अंदर FMGE या नेक्स्ट परीक्षा देनी अनिवार्य होती है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट, सेंसेक्स में 523 अंक से ज्यादा की गिरावट आई, निफ्टी भी 166 अंक गिरा। प्रियंका को रायबरेली से चुनाव लड़ाने की तैयारी, सोनिया राजस्थान से राज्यसभा जा सकती हैं। खड़गे के घर कांग्रेस की बैठक में चर्चा हुई। CUET UG एग्जाम का पैटर्न बदला, OMR सीट पर भी होगी परीक्षा, 10 की बजाय 6 सब्जेक्ट में होगी चॉइस। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अब हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। मारुति सुजुकी लाएगी फ्लाइंग कार, 2025 में पहला मॉडल आएगा, घर की छत से ही टेक ऑफ और लैंडिंग होगी, 3 लोग बैठ सकेंगे। मारुति सुजुकी कंपनी ये बड़ा कमाल करके दिखाने वाली है। स्पाइस जेट भी एम्प्लॉयज की छटनी करेगी, 1400 एम्प्लॉय छटनी करने को लेकर खबर आ रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से अब 1 जुलाई 2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र की प्रथम अपील भी ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंहदेव ने चुनाव नहीं लड़ने के पीछे पारिवारिक सदस्य की सेहत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मैं उस स्थिति में ही नहीं हूं कि चुनाव लड़ सकूं। बिहार के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है, पटना और आसपास के इलाकों में बादल छाए रहने को लेकर खबर। हरियाणा के स्कूलों की टाइमिंग बदली है, सिंगल शिफ्ट के स्कूल सुबह 8 बजे खुलेंगे, डबल शिफ्ट वाले 1 घंटे पहले खोले जाएंगे। हरियाणा के स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया। झारखंड से एक और बड़ी खबर आई है, 55,000 सखी मंडलों को 825 करोड़ रुपए मिले, राज्य के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण। हिमाचल में लापता टूरिस्ट की बॉडी मिल गई है, इनोवा समेत सतलुज नदी में गिर गए थे, पिता ने 1 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा था, गोताखोरों ने ढूंढ निकाला। हिमाचल में 18 फरवरी से फिर बारिश और बर्फबारी के अलर्ट और अपडेट सामने आ रहे हैं, अभी धूप खिलने से ठंड गायब हो गई है। हिमाचल विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण जल्दी होगा, यूट्यूब चैनल लॉन्च करने की तैयारी भी हो रही है। सीएम सुक्खू जी 17 फरवरी को बजट पेश करेंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम लागू, 5.5 साल के बच्चे ले सकेंगे एडमिशन।
कमीशन 42 दिन बाद खुले विंटर क्लोजिंग स्कूल। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर चला एलडीए का बुलडोजर। बसंत कुंज योजना में 1,00,000 वर्ग फीट जमीन से कब्जा हटाया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। 13 फरवरी से एडमिशन कार्ड डाउनलोड की सुविधा मिलने वाली है, यानी आज से ही। दो बड़ी अलर्ट करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। औरैया में रोडवेज बस में बिगड़ी यात्री की तबीयत, जान चली गई। दिल्ली से कानपुर आ रहे थे, अचानक सीट पर गिरकर बेहोश हो गए और जान चली गई। वहीं रावण का किरदार निभाया और मंच से उतरते ही जान चली गई। रावण का किरदार निभाने वाले कलाकार की जान चली गई। इवेंट खत्म होने के बाद कपड़े बदलने के दौरान उनके सीने में दर्द हुआ, साथ ही हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में बंद नहीं होगी ओल्ड पेंशन स्कीम, विधानसभा में वित्त मंत्री ने कहा। स्मार्ट सिटी गड़बड़ी की जांच होगी, छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रहेगी। इसे लेकर सोमवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में ये साफ कर दिया कि जो सिस्टम इसे लेकर चल रहा है वो चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट। अयोध्या में भी ठंड देखने को मिल रही है, बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ाई है। राजस्थान से जुड़ी खबर, बजट में घोषित भर्तियों के विज्ञापन जारी करने की मांग हो रही है। जयपुर के 100 कॉलोनियों में आज बिजली बंद रहेगी, 4 घंटे तक 3 शिफ्ट में कटौती होगी। कॉलोनियों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अलग अलग शिफ्ट में मेंटेनेंस का काम होगा। इसके कारण सांगानेर मानसरोवर की कई कॉलोनियां प्रभावित रह सकती हैं। 14 फरवरी की रात 9:30 बजे तक होंगे खाटू श्याम दर्शन। तिलक सेवा और पूजा के चलते 17 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। 15 फरवरी की शाम 5 बजे से फिर शुरू होंगे। 16 फरवरी को सरकारी कर्मचारी करेंगे हड़ताल। पुरानी पेंशन योजना जारी रखने और ओपीएस लागू करने की मांग हो रही है, कामकाज प्रभावित हो सकता है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर देश भर के कर्मचारियों के साथ राजस्थान के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। इंदौर में स्वर्णकार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 तारीख को बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होने जा रहा। इंदौर में परिचय सम्मेलन को लेकर मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश अग्रसेन सभा 4-5 मई को परिचय सम्मेलन का आयोजन करेगा। जीआईएस मैपिंग से एक क्लिक पर मिलेगी प्रॉपर्टी की जानकारियां। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में हाउसिंग बोर्ड की बड़ी पहल, डॉक्यूमेंट संपत्ति खरीद बेचने में फ्रॉड नहीं होगा। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अपनी सभी प्रॉपर्टी की जीआईएस यानी जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग शुरू कर दी है। अब केवल एक ही क्लिक पर आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। कोई भी आवंटी अब geoportal.mp.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी सर्च करके सभी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे। अमेरिका के जेसी बना देंगे राजस्थान की सड़कें, नितिन गडकरी ने कहा। 60,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। जबलपुर समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में इस मानसून भरपूर बारिश। भोपाल में पानी से खराब हुआ वाटरप्रूफ मोबाइल। 9 साल पुराने मामले में उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया, ब्याज समेत कीमत लौटाएगी कंपनी। सर्व ब्राह्मण परिचय सम्मेलन भोपाल में 18 फरवरी को। मध्य प्रदेश में फिलहाल नहीं बढ़ेगी लाडली बहना की राशि, अंतरिम बजट में बढ़ोतरी का प्रावधान नहीं, अभी 1,250 रूपए ही मिलते रहेंगे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अंतरिम बजट पेश कर दिया, ये बजट 1,45,000 करोड़ रुपए का रहा। तेलंगाना से जुड़ी बड़ी खबर है, राज्य सरकार ने सीधी भर्तियों के लिए 2 साल बढ़ाई ऊपरी आयु सीमा। तेलंगाना सरकार ने आगामी भर्तियों के लिए सीधी भर्ती वाली नौकरियों की ऊपरी आयु सीमा 2 साल बढ़ाकर 44 साल से 46 साल कर दिए। राज्य सरकार ने आयु सीमा को 2 वर्ष बढ़ा दिया। पंजाब में इस दिन नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, लोगों को परेशानी हो सकती है। पंजाब में 22 फरवरी के दिन पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल नहीं मिल सकेगा। डीलर मार्जिन न बढ़ाने पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब ने ऐलान किया। इस सीजन में देश भर में 42 लाख शादियां होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था को मिलेगा 5.5 लाख करोड़ का बूस्टर डोज। बड़ी मात्रा में रोजगार सृजन भी देखने को मिलेगा। है ना दोस्तों, और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, शादी करने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। यह है इंटरकास्ट मैरिज स्कीम से जुड़ी खबर। राजस्थान की सरकार शादी करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देती है, लेकिन इसके पीछे एक शर्त होती है और ये शर्त होती है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तभी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। राजस्थान की सरकार की तरफ से इंटरकास्ट यानी अंतर जातीय विवाह करने वालों को 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। सरकार ये राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान करती है। पहले यह राशि 5 लाख रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। 2 हिस्सों में यह राशि मिलती है। 5 लाख रुपए की राशि लड़के के लिए और लड़की दोनों के ज्वाइंट अकाउंट में मिलते हैं। फिर बाकी के जो 5 लाख रुपए की राशि है वो FD के रूप में जमा कर दी जाती है। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए लड़का या लड़की दोनों में से एक दलित समुदाय से होना चाहिए। इसके अलावा राजस्थान का निवासी होना भी जरूरी है। और हाँ, सरकार ने इसके लिए उम्र सीमा भी तय की हुई है। इस स्कीम का लाभ 35 साल से अधिक उम्र वाले नहीं उठा सकते हैं। और अब चलते चलते सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमत में गिरावट आई है, चांदी महंगी हुई है। सोना सस्ता, चांदी महंगी। मतलब सोमवार सुबह सोने का भाव 62,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, चांदी 70,855 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। कल वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा और भी बहुत मजा आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और आप और हम ऐसे
जुड़े रहें, हर रोज काम की ताजा खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।